एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग आपको पता लग गया होगा, मेरे जो टाइटल डाला है मैंने, तो उससे आपको पता लग गया होगा कि हम किस टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हम देसी घी कैसे तैयार कर रहे हैं, और वो भी मक्खन से, और वो भी चूल्हे पे। तो ये सब मम्मी करने वाली है। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि हम देसी घी कैसे निकाल रहे हैं। और बाहर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बिल्कुल बादल आ गया है। तो चलिए जल्दी से हम आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आ दही है? दही के लिए कुछ पाना लिया है, मैं रख लेने तो खाना खाऊंगा अपन का। अच्छा, बाकी जो नहीं है। तो ये लीजिए, ये है हमारा दही और इससे अभी हम निकालेंगे देसी घी। और इसको अभी हमने फेंटना है, तो ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो अभी हम इसे मशीन लगा के हम इसे फेंटेंगे। और ये लग गई हमारी मशीन, और अभी इसे हम कनेक्ट करेंगे और 5 मिनट तक हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा, और उस मक्खन से हम बनाएंगे देसी घी। तो लीजिए ये मक्खन है, ये वाला, और वो दूसरे वाले में भी एक मक्खन है। तो ये जो मक्खन है ना, इस मक्खन से हमारा देसी घी निकलेगा। अभी हमने इसे चूल्हे पे चढ़ाना है और हल्के आंच पे हमने इसे काढ़ना है ताकि देसी घी इसमें से निकल जाए। और मटके में जो बचा है वो है लस्सी। तो चूल्हे पे हमने मक्खन को रख दिया है और ये देखिए मक्खन से घी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी इससे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें से घी आने में। सो वेदर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी देखिए काले बादल आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ का वेदर ऐसे ही है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वेदर को। यहाँ पे कभी बादल आ जा रहे हैं, कभी धूप आ जा रही है, बारिश भी इतनी जल्दी आ रही है और धूप भी इतनी जल्दी निकल जा रही है। तो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा हो रही है। देख गया मुंह, देख गया मुंह, मुंह का इधर क्या मुंह पता नहीं ना कि। और इधर एसी की सर्विसिंग हो रही है और इधर ये मुंह छुपा रहा है। किदा आधी लिया, इतनी इतनी लिया, इतनी इतनी। तो
ये देखिए हमारा देसी घी निकल गया है और इसे अभी हम कंटेनर में डाल रहे हैं। और ये जो बच गया है ना, जो मक्खन जल गया है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम चीनी के साथ खाएंगे। और थोड़ा सा हम जो हमारे जो भी डंगर है, गाय है, जो भैंस है, उनको हम खिलाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ देसी घी। और लीजिए, यहाँ हमारा देसी घी बनकर रेडी है। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।